Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is star and delta network and conversion of circuits from delta to star and vice versa, that is star to delta. So last time हमने discuss किया था Kirchhoff laws in which we have studied two laws, KCL and KVL. तो आज का topic जो है, let's start with that. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क होता क्या है. सो दीज आर द नेटवर्क्स विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर थ्री फेज सप्लाई. अब थ्री फेज सप्लाई क्या होता है, हमारे पास हमारे घर में जो पीछे से एसी सप्लाई आ रही होती है, एसी मेंस आ रही होती है, दैट इज ऑलवेज सिंगल फेज सप्लाई. ठीक है, उसको वन फेज सप्लाई भी बोलते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी बोलते हैं. ठीक है, बट अगर मैं इंडस्ट्रियल यूजेज की बात करूं, इंडस्ट्रियल यूजेज में, इंडस्ट्रीज में हमारे पास थ्री फेज सप्लाई आती है. ठीक है, वो थ्री फेज सप्लाई में क्या होता है, देर आर थ्री वायर्स विच आर यूज्ड साइमल्टेनियसली टू गिव पावर टू द लोड. ठीक है, ये किसी भी मतलब लोड को, थ्री फेज मोटर्स हो गई, डीसी मोटर हो गई, एसी मोटर हो गई, या ऐसा जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे होते हैं, वो सारे थ्री फेज सप्लाई में चलते हैं इंडस्ट्रीज में. ठीक है, उसमें बेसिकली 440 वोल्ट्स एसी सप्लाई होती है. तो ये जो थ्री फेज सप्लाई है, ये आगे दो तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है, थ्री फेज सप्लाई को. वन इज स्टार नेटवर्क एंड द अदर वन इज डेल्टा नेटवर्क, राइट. सो स्टार नेटवर्क एंड डेल्टा नेटवर्क दोनों जो है थ्री फेज सप्लाई में यूज होते हैं. अदरवाइज जब हम स्टार और डेल्टा नेटवर्क को रिजोल्व करते हैं, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिजोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉज आर देयर. ठीक है, बट सम सर्किट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो ऐसे जो स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क होते हैं जो थ्री फेज सप्लाई के अंडर काम करते हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें हम करंट या वोल्टेज को एनालाइज नहीं कर सकते इजिली. ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए वी नीड द कन्वर्जन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा. ठीक है, तो स्टार नेटवर्क अगर हो हमें पता होना चाहिए डेल्टा नेटवर्क उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा का पता हो तो स्टार कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद एनालाइज करना करंट को या वोल्टेज को हर ब्रांच में, दैट इज दैट विल बिकम इजी. ठीक है, तो अब बेसिकली स्टार नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क को बेसिक टर्म्स में मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम राइटिंग हियर द वर्ड्स फॉर स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क, यू कैन राइट इट विद मी. द थ्री ब्रांचेस इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड इन नंबर ऑफ फॉर्म्स. द कॉमन वंस आर स्टार एंड डेल्टा फॉर्म. जब तीन ब्रांचेस को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो दो फॉर्म्स सबसे ज्यादा चलती हैं, स्टार फॉर्म एंड डेल्टा फॉर्म. डेल्टा क्या है इसमें से, डेल्टा कनेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, डेल्टा फॉर्म भी बोल सकते हैं, डेल्टा सर्किट भी बोल सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. इन डेल्टा कनेक्शन द थ्री ब्रांचेस आर सो कनेक्टेड, यहां पे लिख रहा हूं इन डेल्टा कनेक्शन The three branches are so connected that they form a closed loop or mesh. Basically, हमारे पास तीन impedance होते हैं. Impedance मतलब resistance ही लेके चलो, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस और ये इसके साथ तीसरी, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगी तीनों की तीनों, जो कि एक क्लोज लूप बनाएंगी, एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज डेल्टा नेटवर्क. ठीक है, इट फॉर्म्स द शेप डेल्टा, ये एक डेल्टा की शेप में काम करता है, दिस इज द दिस इज कॉल्ड डेल्टा, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, इसका जो शेप है दैट इज डेल्टा. तो ये हमारे पास थ्री ब्रांचेस है, अगर मैं इस ब्रांचेस को नाम दूं, दैट इज वन, दैट इज टू, दैट इज थ्री, तो ये जो होगी दैट इज आर वन टू, ये होगी आर थ्री वन, ये होगी आर टू थ्री, राइट.
तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एज, आगे लिखिए एज दीज थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड नोज टू टेल. नोज टू टेल का क्या मतलब है कि एक का स्टार टर्मिनल दूसरे के एंड से, दूसरे का स्टार टर्मिनल तीसरे के एंड से, एंड टर्मिनल से, और तीसरे का स्टार टर्मिनल फर्स्ट के एंड से, ऐसे एक दूसरे से नोज टू टेल कनेक्टेड है. दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर, दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर क्लोज लूप. ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर क्लोज लूप की शेप में बाहर आता है एंड दिस इज कॉल्ड द डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, तो ये बना लीजिए डेल्टा के शेप में. नेक्स्ट है हमारा स्टार कनेक्शन. स्टार कनेक्शन क्या है, राइटिंग हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए डेल्टा स्टार क्या, उसके बाद कन्वर्जन करेंगे. सो स्टार कनेक्शन क्या है, व्हेन आइदर टर्मिनल, व्हेन आइदर टर्मिनल ऑफ थ्री ब्रांचेस, बोथ आर रिलेटेड विद थ्री ब्रांचेस. ठीक है, व्हेन आइदर टर्मिनल ऑफ थ्री ब्रांचेस इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, connected to a common point to form a star or Y like pattern is called star connection. Right? So अब मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं इसका. एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस और तीसरी रेजिस्टेंस. इट कैन बी रेजिस्टेंस, इट कैन बी इम्पीडेंस, इट कैन बी लोड. ठीक है, ये तीनों का अगर एक टर्मिनल मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, कॉमन कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे यू कैन सी हेयर दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, उस टाइम पे ये बन जाएगा स्टार कनेक्शन. और ये वाई, उल्टा वाई हमें शो कर रहा है. ठीक है, it looks like a star pattern or Y pattern, so that is why it is known as star connection. ठीक है, इसको हम Y connection भी बोलते हैं. तो अगर यहाँ पे A लिख दूँ, यहाँ B लिख दूँ, यहाँ C लिख दूँ, तो ये बन जाएगा R A N, R B N, R C N. ठीक है, this point is known as N. इसको हम N भी लिख सकते हैं, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट या कुछ भी लिख सकते हैं, या सीधा सीधा भी लिख सकते हैं. इसको आर ए, इसको आर बी, इसको आर सी लिख सकते हैं. राइट, सो दिस इज कॉल्ड द स्टार कनेक्शन. अब जो ये दोनों कनेक्शन है ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब हम स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो अभी हम नीचे कन्वर्जन यूज करेंगे उसके लिए. So I am writing here these star and delta connections can be transformed from one form to another. For simplifying, क्यों करते हैं हम ऐसा, टू सिंप्लीफाइंग द नेटवर्क, फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड. तो ये सारे पॉइंट्स कन्वर्जन आर रिक्वायर्ड. ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि स्टार माइंड में आ जाए आपको. जब भी स्टार की बात करें, स्टार कनेक्शन क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ वाई कनेक्शन जिसमें तीन रेजिस्टेंस को हम एक पॉइंट को कॉमन कनेक्ट कर रहे हैं और बाकी जो तीन है वो अलग अलग डिफरेंट है. ऐसे ही डेल्टा में इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप और वो ऐसे क्लोज लूप बनाएगा कि तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाए और वहीं से पॉइंट ले रहे हैं हम. ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ डेल्टा, राइट. तो आगे चलते हैं कन्वर्जन की तरफ.
कन्वर्जन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दोनों नेटवर्क हम बना रहे हैं यहाँ पे डेल्टा और स्टार, और उसके बाद उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ जो दोनों के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे आप एक पहले डेल्टा बना लीजिए, राइट इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ, यू कैन राइट हेयर एबीसी, एबीसी ही दे रहा हूँ इसको भी पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज आर ए बी, दिस इज आर ए सी एंड दिस इज आर बी सी, ठीक है। ये डेल्टा हो गया, ये हमारा स्टार नेटवर्क हो रहा है, बन रहा है, तो दिस इज माय स्टार नेटवर्क। इसको ए बी एंड सी पॉइंट दे रहा हूं, इसकी रेजिस्टेंस होगी आर ए, दिस विल बी आर बी, सॉरी एंड दिस विल बी आर सी। अगर दोनों का इक्विवेलेंट करूं मैं तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, अगर दोनों के पॉइंट सेम कर दूं ए बी एंड सी, दिस विल बी आर सी ए, दिस विल बी आर बी सी, ये आर ए बी, ये डेल्टा के हैं, ठीक है। और इसमें से जो स्टार के हैं आई एम राइटिंग हियर आर ए आर सी एंड आर बी, ठीक है। इसको मैं रेडी करने वाला हूँ ताकि दोनों अलग अलग हैं ये पता चल जाए हमें। आप कॉपी पे एक ही चाहे कलर से बना लीजिए, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट और दोनों कैसे एक दूसरे से इक्विवेलेंट होंगे। सो दिस इज बेसिकली बोथ द नेटवर्क्स, ठीक है। डेल्टा के अंदर हमने ये हम दोनों नेटवर्क इकट्ठे बना रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्जन, ठीक है। सबसे पहली जो कन्वर्जन हम करेंगे दैट इज स्टार एंड डेल्टा, सॉरी स्टार टू डेल्टा। नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट हियर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने वाले हैं हम यहाँ। अब हमें पता है जो डेल्टा की रेजिस्टेंस है वो डायग्राम के थ्रू आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए है, और स्टार की जो रेजिस्टेंस है दैट आर आर ए आर बी एंड आर सी, ठीक है। वो अभी जो ऊपर डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। अब दोनों फॉर द टू सर्किट टू बी इक्विवेलेंट, नेक्स्ट लाइन फॉर द टू सर्किट्स टू बी इक्विवेलेंट द रेजिस्टेंस मई एड बिटवीन द रेजिस्टेंस मई एड बिटवीन any two terminals A, B and C must be the same in two cases. अब दोनों को मेजर करने के लिए जब दोनों को कन्वर्ट करना है डेल्टा टू स्टार करना है हमने, तो हमें पता होना चाहिए A, ये तीन टर्मिनल है A, B एंड C, दोनों के कॉमन है, तो इनमें जो रेजिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए तभी एक दूसरे से कन्वर्ट हो पाएंगे। दैट मींस आई एम राइटिंग हियर, यू कैन राइट हियर आर ए बी फॉर स्टार कनेक्शन, दो पॉइंट्स में हम सेम कर रहे हैं कि स्टार में जो आर ए बी बनेगी दैट इज इक्वल टू आर ए बी फॉर डेल्टा कनेक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल तभी एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाएंगे। सो आर ए बी
मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में स्टार कनेक्शन शुड बी इक्वल टू ए और बी पॉइंट के बीच में डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करूं ए एंड बी के बीच में, अब आपने क्या करना है, यू कैन सी हेयर, ये बी लिख लीजिए, ये सी लिख लीजिए, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। अब मैं सिर्फ ए और बी को कंसिडर कर रहा हूँ, सी वाली वायर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को देखूं तो ए आर ए एंड आर बी आर एन सीरीज, यहां से भी देखूं ए एंड बी को सिर्फ मैं यहां से नोटिफाई करूं तो आर ए एंड आर बी आर एन सीरीज, आर सी को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड में। अब हमने बात करनी डेल्टा की, तो डेल्टा में हमारे पास जब ए एंड बी के बाद रेजिस्टेंस निकालनी हमने, तो आई कैन राइट लाइक दिस, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी की तरफ जाते हुए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है आर ए बी, ठीक है, ये बी पॉइंट है, और यहीं पे बी पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस थी, उस रेजिस्टेंस का नाम था आर बी सी। यू कैन सी हियर बी पॉइंट से आर बी सी भी जा रही है, और आर बी सी का ही पॉइंट आर ए सी के साथ कनेक्टेड है, ये आर ए सी है, ये आर बी सी है, और ये जो आर ए सी का दूसरा पॉइंट है वो ए के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, ये हमारा डायग्राम बन रहा है, ठीक है, डेल्टा में, अगर मैं ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको देखूं तो आई कैन राइट आर ए बी इज पैरेलल विद आर ए सी प्लस आर बी सी, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और ये आर ए बी जो है ये पैरेलल में है इन दोनों के, ये हमने सीरीज पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंगली इसका क्या निकालेंगे हम, आई कैन राइट हियर आर ए बी इज पैरेलल विद आर ए सी, आर ए सी नहीं लिखेंगे, आर सी ये लिखेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर ए बी फॉर डेल्टा कनेक्शन होगा हमारा आर ए बी इन पैरेलल विद आर सी ए प्लस आर बी सी, ठीक है, आर सी ए लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हाँ आर सी ए, ये देखो हमारे पास यहाँ पे आर सी ए है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आर ई बी के पैरेलल में है, तो ये दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे जब हम दोनों स्टार और डेल्टा को इज इक्वल कर रहे हैं, दोनों को इक्वल बना रहे हैं। तो अब हमें पता है, चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर ए प्लस आर बी एज इट इज लिखेंगे, हमें पता है जब आर वन एंड आर टू दो पैरेलल में हो तो हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई देन नीचे डिवाइड करते थे, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। अब ये पैरेलल में है आर ए बी विद आर सी ए प्लस आर बी सी, तो इसको मैं पहले ओपन करूंगा तो वो होएगा सबसे पहले आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए प्लस आर बी सी डिवाइड बाय, दोनों को प्लस कर देंगे, आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी, ठीक है जी, ये हो गया। अब दिस इज बेसिकली यू कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली हमने आर बी सी के लिए भी सेम पॉइंट्स निकालने हैं, आर बी सी फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू आर बी सी फॉर डेल्टा कनेक्शन, वो हमारा क्या निकलेगा। सिमिलरली आई कैन राइट जो आर बी सी स्टार के लिए है, आप देखो स्टार में ये आर ए है, ये आर बी है और ये आर सी है, आर ए वाली जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं, आर बी और आर सी आपस में सीरीज में है, तो आई कैन राइट आर बी प्लस आर सी, और दूसरी तरफ अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा में ये आर ए बी है, ये आर सी ए है और ये आर बी सी था, हमने निकालना है आर बी सी, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनके बीच में हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, उस टाइम पे ये बनेगी आर बी सी इन पैरेलल विद आर सी ए प्लस आर ए बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू हैव मेड उसके अकॉर्डिंगली ये बन रही है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू, दोनों को पहले मल्टीप्लाई, आर बी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए प्लस आर ए बी,
डिवाइडेड बाय प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए प्लस आर ए बी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दो दे रहा हूँ। और सिमिलरली थर्ड ब्रांच के लिए थर्ड रेजिस्टेंस जो हमारी निकलेगी वो भी लिख लीजिए आप, आर सी ए फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू आर सी ए फॉर डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तीनों को इक्वलेंट जब कर लेंगे उसके बाद दोनों को कन्वर्ट करना आपस में बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सिमिलरली निकलेगा, अगर सी और ए में देखें हम, सी और ए के बीच में ये आर सी और आर ए ये दोनों सीरीज में है इन स्टार कनेक्शन, तो आर सी प्लस आर ए लिख रहा हूँ। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो आर सी ए जो है ये पैरेलल में है विद आर ए बी प्लस आर बी सी के, तो ये मैं लिख रहा हूँ आर सी ए इन पैरेलल विद आर ए बी प्लस आर बी सी। तो इसको सॉर्ट आउट करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये बनेगा दोनों को ऊपर पहले मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, तो मेरे पास ये टर्म बन के आ जाएगी। इसको मैं थ्री नंबर इक्वेशन लिख रहा हूँ, राइट। तो तीनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई। अब हमने क्या करना है, आई एम राइटिंग हेयर सब्ट्रैक्टिंग, अब आप साथ साथ में लिख रहे हो आई होप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड एडिंग द रिजल्ट, एंड एडिंग द रिजल्ट टू इक्वेशन थ्री। अब हमने ये प्रोसेस करना है, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर टू जो है आई एम राइटिंग हेयर वो है आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी सी मल्टीप्लाई बाय आर ए बी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाय तीनों का सम आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी आर ए प्लस आर बी, जो कि हमारी थी आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी, राइट। अब मैं इन दोनों को अगर ओपन करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन ऊपर बनती है आर बी सी आर ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी। ठीक है, इसको रीराइट कर रहा हूँ, इसको भी ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट को, तो ये बन रही है आर ए बी आर बी सी प्लस आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, राइट। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इनको, तो ये जो आर बी कट रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो इक्वेशन बच रही है दैट इज आर, इसको नीचे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन आर इक्वेशन टू, यहाँ पे आर बी कट गया, हमारे पास यहाँ बचा आर ए माइनस आर सी इज इक्वल टू, यहां से ये लाइन कट जाएगी, माइनस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, ऊपर से लाइन बचेगी आर बी सी आर ए बी प्लस आर ए बी आर सी ए माइनस आर बी सी आर ए बी माइनस आर बी सी आर सी ए, ये बचेगा, इसमें से ये लाइन्स कट गई तो हमारे पास इक्वेशन आई आर ए माइनस आर सी इज इक्वल टू आर ए बी आर सी ए माइनस आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखना था, ऐड करना था इक्वेशन थ्री में, तो इक्वेशन थ्री हमारे पास यहाँ पे है आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन है आर सी ए मल्टीप्लाई बाय आर ए बी प्लस आर बी सी आर ए बी
प्लस आर पी सी प्लस आर सी ए, ये एक बार मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे किया है मैंने। तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा आर ए बी आर सी ए प्लस आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये हमारे पास है आर ए प्लस आर सी। तो इस इक्वेशन को इसके साथ जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आर सी कट गया, मेरे पास आउटपुट आई आर ए टू आर ए, यहाँ पे आई आर ए बी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा आर बी सी आर सी ए, और इधर हमारे पास आएगा आर ए बी आर सी ए माइनस आर बी सी आर सी ए प्लस आर ए बी आर सी ए प्लस आर बी सी आर सी ए, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन कट गई, प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे रह गया टू आर ए इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये टू और टू कट गया तो हमारे पास आर ए बचा इज इक्वल टू आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन आ गई। फर्स्ट कन्वर्जन मतलब जो आर ए है दैट इज आई नो दैट वो स्टार है, ठीक है, वो स्टार की है। तो स्टार में स्टार कनेक्शन का जो आर है आर ए है दैट इज इक्वल टू आर ए बी आर सी ए और तीनों का संबार में, ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसे ही सिमिलरली मैं बाकियों का भी निकालूं, बाकियों का कैसे निकाल सकता हूं आर बी आर, जब हम अभी हमने क्या किया था सेकंड इक्वेशन को माइनस किया था फर्स्ट से, जो भी रिजल्ट आया था उसको प्लस कर दिया था थ्री से, ठीक है। अगर मैं इससे अलग चलूं थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूं सेकंड से और उसको प्लस कर दूं फर्स्ट से और ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं थर्ड से, ठीक है, और प्लस कर दूं सेकंड से, तो आई विल गेट आर बी एंड आर सी टू, ये हमें मिल जाएगी। और वो क्या आएगी, आई एम राइटिंग डायरेक्टली हेयर, आर बी विल बी आर बी सी मल्टीप्लाई बाय आर ए बी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, और आर सी हमारे पास यहाँ पे आएगी आर सी ए मल्टीप्लाई बाय आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी आर बी सी आर सी ए। अब ये तीनों के तीनों जो हमारे पास रिजल्ट हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट हेयर, राइट डाउन वन लाइन टू रिमेंबर दिस रिलेशन, I can write resistance of any arm of star. Star को हम y भी denote करते हैं, is equal to है product of two adjacent arms of delta. ये कैसे है मैं अभी बताता हूँ, divide by sum of arms of delta. अब देखो हमारे पास ये डायग्राम था डेल्टा का, पहले बनाते हैं, इसके बीच में मैं स्टार का बना रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे स्टार का बना रहा हूं जी, ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ठीक है, ये आर ए बी, ये आर ए सी, ये आर बी सी, यहाँ पे आर ए, यहाँ पे आर बी, यहाँ पे आर सी, ठीक है। तो अगर मैं आर ए निकाल रहा था यहां से तो आर ए इज इक्वल टू आर है आर ए बी आर ए आर सी ए। अब आर ए के क्रॉस दो हमारे पास ये सी ए है, सॉरी
यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ रही है, आर ए के क्रॉस, आर ए बी आर सी है, तो वही चीज उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट आर्म्स ऑफ डेल्टा। ऐसे ही अगर आर सी निकाल रहे हैं, आर सी का यहाँ देखो आर सी ए मल्टीप्लाई बाय आर बी सी आ रहा है, तो आर बी सी और आर सी ए इसकी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस है इन डेल्टा। ऐसे ही आर बी की एडजेसेंट रेजिस्टेंस है आर ए बी और आर बी सी, तो यही पे आ रहा है आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी। तो इसको याद रखने के लिए हमें ये जस्ट लाइन याद रखनी पड़ेगी, इसमें क्या दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी आर्म ऑफ स्टार, स्टार की अगर कोई रेजिस्टेंस निकालनी है हमने, आर ए निकालना है, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा, ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर्म्स ऑफ डेल्टा, जितनी भी आर्म्स है डेल्टा की तीनों का सम कर दो। तो ऐसे ही आर बी भी निकल जाएगा, ऐसे ही आर सी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, की स्टार का हमें पता है हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या डेल्टा की हमें फॉर्म पता है, सॉरी ये डेल्टा टू स्टार है, कि डेल्टा के हमें सारी रेजिस्टेंस के बारे में पता है, आई वी हैव नो, हमें आर सी ए की वैल्यू पता है, हमें आर बी सी की पता है, आर ए बी की पता है, तो इन फॉर्मूला से हम आर ए आर बी एंड आर सी की वैल्यू निकाल के उसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेल्टा टू स्टार, अब हमारा काम है डेल्टा टू स्टार पता करना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, ये आपको स्टार टू डेल्टा आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, अब हमारा है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हमारे पास अगर स्टार में कोई अगर उसकी वैल्यू है तो हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फॉर दैट वी हैव अगेन री रिटन द सिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें हमने फर्स्ट थ्री एक्सप्रेशन वही लिखे हैं जो ऊपर मेंशन किए थे कि स्टार और डेल्टा में आर ए और बी पॉइंट के बीच में सेम होना चाहिए, वैल्यू ये होगी, आर बी एंड सी के बीच में वैल्यू ये होगी स्टार और डेल्टा की, और आर सी और ए के बीच में जो वैल्यू होगी वो स्टार की ये होगी और डेल्टा की ये होगी। और ये जो तीन रिजल्ट्स हैं ये अभी हमने स्टार टू डेल्टा के निकाले हैं, कि जो हमारा यहाँ पे एक इसको डायग्राम उसको मैं दोबारा बना देता हूँ इक्विवेलेंट डायग्राम को, तो ये हमारे पास डेल्टा है, ठीक है, इसके बीच में हम स्टार बना देते हैं, ठीक है जी, ये हमारा आर ए है, ये हमारा आर बी है और ये आर सी है, दिस इज आर ए बी, दिस इज आर ए सी ए एंड दिस इज आर बी सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो आर ए की वैल्यू है दैट इज, जब हमें ये डेल्टा की वैल्यू पता होगी आर ए बी आर सी ए और आर बी सी की, तो इसके अकॉर्डिंगली आर ए भी निकल आएगा, आर बी भी निकल आएगा और आर सी भी निकल आएगा, जो कि हमने शॉर्टकट ऊपर किया है। तो अब हम करेंगे स्टार टू डेल्टा, कि हमें आर ए आर बी आर सी की वैल्यू पता है तो इनकी वैल्यू निकालनी है आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए की, कैसे निकालेंगे, छह एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई एम राइटिंग हेयर डिवाइड राइट डाउन By dividing equation, by dividing equation 4 by equation 5 and we get, जब हम fourth equation को fifth के साथ divide करेंगे we will get, what we will get is R A over R B is equal to R A B आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है, डिवाइड बाई आर बी सी आर ए बी ओवर आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो ये जो नीचे वाली दोनों की डिनोमिनेटर कट गई, ठीक है, और ऊपर से आर ए बी कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगी, आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू आर सी ए ओवर आर बी सी, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन आ गई, यहां से मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ आर सी ए इज इक्वल टू आर ए ओवर आर बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेवन्थ इक्वेशन, राइट। ऐसे ही सिमिलरली
मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फोर बाय इक्वेशन सिक्स. अब इक्वेशन फोर और इक्वेशन सिक्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, वी गेट, तो व्हाट वी विल गेट, मैं यहाँ से फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ. फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास आर ए ओवर आर बी. लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ और सिक्स को जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया आर ए ओवर आर सी. यहाँ पे सिक्स्थ इक्वेशन इज आर सी. राइट साइड की अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए ओवर आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, दैट इज डिवाइडेड बाय सिक्स्थ इक्वेशन. सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे आर सी ए आर बी सी ओवर आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए. तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट गया और ये जो है हमारे पास आर सी ए से कट गया. हमारे पास इक्वेशन बची यहाँ पे आर ए ओवर आर सी इज इक्वल टू आर ए बी ओवर आर बी सी. तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीशफल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू आएगी आर ए ओवर आर सी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी. राइट, तो ये इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ एट्थ इक्वेशन का. अब मैं क्या करूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ दी सेवंथ एंड एट्थ इक्वेशन. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग आर सी ए एंड आर ए बी, जो सेवंथ एंड एट्थ इक्वेशन है उसकी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इन इक्वेशन फोर तो क्या होगा. इक्वेशन फोर में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मेरे पास पहले सबसे पहले इक्वेशन फोर यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज आर ए इज इक्वल टू आर ए बी आर सी ए ओवर आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ आर ए बी की और आर सी ए की. तो मेरे पास आर ए बी की वैल्यू है आर ए ओवर आर सी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी. ठीक है, और यहाँ पे आर सी ए की यहीं पे पुट कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा. नीचे मैं आर ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ अगेन यहाँ पे. तो आर ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी आर ए ओवर आर सी आर बी सी प्लस आर बी सी एज इट इज लिख दूंगा, प्लस आर सी ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी दैट इज आर ए ओवर आर बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी. ठीक है, तो इसमें से अगर मैं डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन में से आर बी सी को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगी वैल्यू आर ए इज इक्वल टू आर ए ओवर आर सी आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर बी सी को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा आर ए ओवर आर सी प्लस वन प्लस आर ए ओवर आर बी. ठीक है, ये आर बी सी और आर बी सी यहाँ से कट गया तो मेरे पास ये थ्री इक्वेशन बन गई. ये मेरे पास दोबारा से इक्वेशन बनेगी, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ आर ए इज इक्वल टू आर ए ओवर आर सी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए और नीचे बचा हमारे पास आर ए ओवर आर सी प्लस वन प्लस आर ए ओवर आर बी. तो ये डिनोमिनेटर को मैं यहाँ से दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी आर ए मल्टीप्लाई बाय आर ए आर सी प्लस वन प्लस आर ए ओवर आर बी. यहाँ से आएगा आर ए ओवर आर सी आर सी ए. ठीक है, और ये आर ए यहाँ से कट जाएगा. ठीक है जी, जब ये आर ए और उधर आर ए वहां से कट गया तो मैं क्या करूंगा, ये आर सी जो डिनोमिनेटर में ये दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये मेरे पास बनेगी आर सी मल्टीप्लाई बाय आर ए आर सी प्लस वन प्लस आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू आर सी. ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गई. अब मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ, इसको जब मैं ओपन करूंगा इस ब्रैकेट को तो ये आर सी कट जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आर ए बच जाएगा. देन आर सी को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर सी बच जाएगा. देन आर ए ओवर आर बी मल्टीप्लाई बाय आर सी एंड दिस विल बिकम आर सी. ठीक है, अब ये इक्वेशन बची मेरी आर सी ए की. और ये कब आई, जब हमने यहाँ पे ये इक्वेशन कब आई, जब हमने फोर्थ को फिफ्थ के साथ डिवाइड किया, देन फोर्थ को सिक्स्थ के साथ डिवाइड किया, फिर इन दोनों की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी फोर्थ में, तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगी आर सी ए की वैल्यू इज इक्वल टू होगी. मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए आर सी ओवर आर बी. सिमिलरली
हम ऐसे ही सिमिलर आर बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और आर ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। आर बी सी की वैल्यू हमारी आएगी दैट इज आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी ओवर आर ए, और आर ए बी की वैल्यू निकलेगी आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी ओवर आर सी। ये कब आएगी? जब हम फिफ्थ को, ये फिफ्थ को डिवाइड करेंगे सिक्स के साथ और फिफ्थ को डिवाइड करेंगे फोर्थ के साथ, तो दोनों में जो वैल्यू बच के आएगी उसको फिफ्थ में सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आर बी सी। सेम है, आर ए बी निकालना है तो आर ए बी की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकेंगे हम, सिक्स को फिफ्थ के साथ डिवाइड देन सिक्स को फोर्थ के साथ डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको सिक्स में ही एलोकेट कर देंगे, हमारे पास आर ए बी आ जाएगा। तो जब ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, ये आप तीनों वैल्यूज लिख लीजिए। अब ये देखिए, मैं दोबारा से अगर डेल्टा स्टार को इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो हमारे पास ये चीज आती है। ये है हमारे पास आर ए बी, ये है हमारे पास आर बी सी और ये है आर सी ए। दिस इज आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर सी। हमने अभी जो वैल्यू निकाली वो आर सी ए की क्या है? आर सी ए किसका है? डेल्टा का। डेल्टा का अगर आर सी ए हमने निकालना है और हमें वैल्यू पता है आर ए आर बी की, तो देखिए आर सी ए के क्रॉस जो दोनों हमें आर ए एंड आर सी मिलते हैं, ठीक है, दोनों क्रॉस स्टार के वो मिल रहे हैं, तो दोनों का प्लस फिर सम ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय द अदर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये चीज मिल रही है। सेम एज आर बी सी निकालना है तो क्या है, आर सी और आर बी का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर ए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बाय शॉर्टकट आई कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला वो क्या लिखूंगा, अगर हमें स्टार टू डेल्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यू कैन राइट हियर द रेजिस्टेंस ऑफ एन आर्म ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ एन आर्म ऑफ डेल्टा, डेल्टा की कोई भी रेजिस्टेंस हो, तीन होती हैं आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए, दैट विल बी इक्वल टू होगी सम ऑफ स्टार रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस, सम ऑफ स्टार रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस दैट आर्म, उसी आर्म जो डेल्टा की आर्म थी उसके क्रॉस जो दो स्टार की रेजिस्टेंस होंगे उनका सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू रेजिस्टेंस, द सेम टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द थर्ड, डिवाइडेड बाय द थर्ड। तो अगर ये मैं पॉइंट रिमेम्बर कर लूं तो आई कैन राइट आर ए बी टू आर बी सी और आर सी ए, तीनों की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर देखो आर ए बी की निकालनी है, इस डायग्राम में देखो आर ए बी ये रहा, इसके क्रॉस दो रेजिस्टेंस है आर ए आर बी, इन दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट आर ए आर बी डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस जो कि है आर सी, तो आर ए बी निकल आएगा। ऐसे ही आर बी सी एंड आर सी निकल सकते हैं, इस फॉर्मूले को मैच करेंगे इसके साथ। तो ये हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा। जब भी डेल्टा टू स्टार निकालना है या स्टार टू डेल्टा निकालना है तो हम इसको इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आपने आप जस्ट ये वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर उसको एक्सप्लेन करना हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है आप ऑनलाइन सेशन या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।